सो गाइज व्हाट्स अप एवरीबॉडी, योर फ्रेंड्स हियर, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइज कभी किसी की पार्किंग में इतनी सारी सुपर बाइक देखी है? 1, 2, 3, 4, 5। और गाइज ये जो सुपर बाइक खड़ी है सीवियर 650, जो मेरी लास्ट वीडियो थी संडे राइड की, और मैंने जिसमें आपको सीवियर 650 के बारे में सब कुछ रिव्यू में ओवरव्यू बताया था बाइक के बारे में, तो उसमें सब काफ़ी सारे जनों ने कमेंट करा था कि भाई इसका क्या रीज़न है, कि क्या मतलब फॉर सेल है, क्या चीज़ क्या है इसकी, मतलब ये जो बाइक तुमने दिखाई है, जसनीत भैया की है, कहाँ की ये बाइक है? बट गाइस ये बाइक कहीं की नहीं है, ये बाइक यहीं की है। तो इस बाइक के बारे में आज हम बताएंगे कि इसका कंसेप्ट क्या है, अगर आप भी चाहते हो इस सेम बाइक को राइड करना, कैसे राइड कर सकते हो, क्या प्राइसिंग है, तो मैं आपको सब इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। बट पहले मैं आपको सिनेमैटिक में ये बात इन्जॉय करवाऊंगा कि आप पे कौन सी बाइक्स अवेलेबल है, आप उन बाइक्स को कैसे गैदर कर सकते हो, अपने पास कैसे ला सकते हो, कैसे राइड कर सकते हो, कैसे इन्जॉय कर सकते हो, सब कुछ आज इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी वेटिंग के, तो पहले सिनेमैटिक इन्जॉय करो, फिर मैं आपको भैया से मिलवाता हूँ जिनकी ये सारी पर्सनल बाइक्स हैं, फिर हम वीडियो में फर्दर आगे बढ़ेंगे और प्राइसिंग की बात करेंगे। तो लेट्स गो। तो भैया एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार व्यूअर्स को जरूर समझा दो कि अगर वो भी हमारी तरह बाइक ले जाना चाहते हैं फॉर राइडिंग पर्पस और फॉर रिव्यू पर्पस, तो उनको क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, तो एक बार जरा। हेलो गाइस, होप यू एवरीबॉडी फीलिंग फाइन एंड गुड इन पोजिशन। ये कॉन्सेप्ट है, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो डायरेक्ट रेंटिंग का, ओपन पैकेजेस का, नॉट रेंटिंग, ओपन पैकेजेस का। ओपन पैकेज में क्या है, यू हैव टू कम विद योर आइडेंटिफिकेशन, योर डॉक्यूमेंट्स, यू कैन कम डायरेक्टली एंड टेक द बाइक, वट एवर बाइक यू वॉन्ट। वी हैव फोर सेगमेंट विद अस, 390 cc, 650 cc सेगमेंट, 800 cc सेगमेंट एंड द टॉप वन इज 1300 cc, अबव 1000 cc। तो यू कैन ऑप्ट एनी ऑप्शन फ्रॉम हियर एंड यू कैन राइड एंड यू कैन फुलफिल योर पैशन अकॉर्डिंग टू योर नीड। सेकेंड इज जो कॉन्सेप्ट नया है, जो इंडिया में वी आर द पायनियर हु स्टार्टेड दिस, जो इंडिया में सिर्फ अलोन कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ फॉर द मेंबरशिप। मेंबरशिप में क्या है, कन्वीनियंस बहुत बढ़ जाती है। कन्वीनियंस कैसे बढ़ती है कि यू हैव टू सिलेक्ट योर पैकेज अकॉर्डिंग टू योर स्पेंडिंग। लाइक आपने बाइक अगर बाय करनी है आपको, तो आपको 1,00,000 रुपये चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 10,000 रुपये चाहिए, 10,000 में यू कैन एंटर इन टू अ मेंबरशिप। उस 10,000 में आप क्या करेंगे, आपको 10,000 में सारी डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे फाइल अप हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएगा, आपके घर पे वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसमें एक चीज़ ज़रूर चाहिए, अगर आप मैरिड हैं आपके स्पाउस का कंसेंट, अगर आप अनमैरिड हैं आपके पेरेंट्स का कंसेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमारी जो एज है मिनिमम इज 25 ईयर्स, 19 ईयर्स से यू कैन स्टार्ट विथ 390 cc सेगमेंट। अबव सेगमेंट में अगर आपको आना है, यू हैव टू हैव योर एज 25। हाँ, अगर आप कोई कीन राइडर हैं, अगर आपके पास अपनी जैसे सुपर बाइक है, अगर आपने पेरेंट्स अलाउ कर रखा है कि ये सुपर बाइक आपके पास ऑलरेडी है, देन यू आर वेलकम, देन यू कैन एंजॉय। क्यों, हमारा मोटिव क्या है कि आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि आप यहाँ से बाइक ले रहे हैं। उसके बाद अब हम आते हैं कि मेंबरशिप कैसे है। 10,000 की मेंबरशिप में जब भी आप बाइक ले जाएंगे, हम मिनिमम 100 किलोमीटर के चार्ज करेंगे। चार्जेस कैसे हैं, 8 रुपीज़ किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है, 390 cc में 8 रुपीज़, 390, 20 रुपीज़,
650cc, 30 rupees, 800cc, and top segment is 50 rupees. That comes in that in that Hayabusa 14R Softail Classic as we have now currently. Right now. So, जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी, you are eligible for every bike. You can take any bike according to your need. उसमें क्या है 100 किलोमीटर आपने ले गए आपने 100 जैसे आप 650 में आ रहे हैं आप 650 में आपने 100 किलोमीटर चलाई 2000 रुपीस आपके चार्ज हो जाएंगे आप चलाओ या नहीं चलाओ गाइस पहले विद मेंबरशिप 2000 रुपीस होंगे विद मेंबरशिप फर्स्ट वी हैव टू टेक द मेंबरशिप 10000 रुपीस दैट इज द फीस फॉर एंटायर ईयर आप उसके बाद आप बाइक 2000 रुपए में ले जा सकते हैं जबकि वो ओपन पैकेज में अगर कंपेयर करोगे तो ओपन पैकेज 5000 रुपीस का अगर आप आगे पास आते हो कि मेरे को नहीं चाहिए मेंबरशिप नो इश्यूज आप आइए ओपन पैकेज लीजिए 5,110 किलोमीटर्स इंक्लूडिंग फ्यूल अगर आप मेंबर हैं आपके मेंबर में सिर्फ 2,000 विदाउट फ्यूल यू हैव टू फिल द फ्यूल योरसेल्फ वी विल गिव यू अ फुल टैंक एंड यू हैव टू रिटर्न द बाइक विद फुल टैंक तो फ्यूल विल बी योर्स अब उसके बाद हम आते हैं हाउ यू कैन अपग्रेड अगर आपने 10,000 की मेंबरशिप मिली से आपने आप महीना चलाया दो महीना चलाया आपने नाउ यू आर सेटिस्फाइड विद द whatever you are getting in over here bikes are अच्छे condition में है सब कुछ अच्छे है सब कुछ कुछ भी गलत नहीं हो रहा आपके साथ as it is happening in Bangkok whenever you go to out country तो अब क्या होता है कि आप bike ले लेते हो आपको unnecessarily कुछ ना कुछ pay करना पड़ता है यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है you whenever you take the bike take a video from all the angles आप वैसे ही bike को अगर हम कहते हैं कि नहीं scratch ज़्यादा है या कम है You can show us a video. तो आप अपने आप को सेव करके ये बाइक ले सकते हो उसके बाद क्या है कि आपको अब कह रहा है कि आप सेटिस्फाई हो गए हो नाउ यू हैव टू अपग्रेड अगर आप 50,000 की मेंबरशिप में आते हो तो उसमें कोई चार्जेस नहीं है एज वी आर चार्जिंग 10,000 एज अ फीस बट इन 50,000 इट इज़ ओनली अ सिक्योरिटी सिक्योरिटी कैसे वर्क करेगी अब वो आप देखिए आउट ऑफ 50,000 यू कैन यूज हाफ ऑफ द मनी लाइक 25,000 फॉर योर राइडिंग राइडिंग में क्या है जब भी आपने 10 बार ही आपने बाइक ली आपने 200 किलोमीटर चलाई हम उसको वहाँ पे लिख लेंगे हम एट द एंड ऑफ द ईयर इफ यू आर नॉट राइडिंग मोर देन दैट रेस्ट ऑफ द 25,000 किलोमीटर यू विल गेट रिफंड जो 25,000 है दैट इज अ कमिटमेंट कि इन अ ईयर यू विल राइड दैट 25,000 फॉर दैट यू विल राइड दैट बाइक फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट अब उसमें क्या है कि आपने आप पे डिपेंड करता है कि आपने मिनिमम 100 किलोमीटर चलानी है अब अपर एक्सटेंड जो है अपर लिमिट है दैट डिपेंड्स ऑन यू उसके बाद आप 50,000 से अबव अगर आप जाना चाहते हैं आप 1 लाख में आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड देर विल बी नो प्रेशर हमारी तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा अगर आप 10,000 में रहते हैं वी आर फाइन विद अगर आप उस 10,000 को बचाना चाहते हैं इफ़ यू वांट टू अपग्रेड यू कैन कम इसके बाद अगर कोई भी चीज़ आपको लगती है कि आपको इंक्वायर करना है यू हैव माय नंबर बिलो यू कैन कॉल मी एनी टाइम कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है अगर आपको कोई सी भी समझ नहीं आती है या आपको लगता है कि यार ये क्या है मतलब इसमें डिफरेंस क्या है तो आप यहाँ पे एक बार आ भी सकते हो ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आ रहे हो बाइक्स देखने आ सकते हो कंडीशन देख सकते हो डेफिनेट आपको चाहिए नीचे भैया से एक बार मिलो बैठ के बात करो ज़्यादा अच्छे समझ में दैट वुड बी बेटर आई रिक्वेस्ट एवरीबडी हु वांट जस्ट कम ओवर Have a look conversation with us. अगर आपको अच्छा लगे तभी आप परस्यू करो उस चीज़ को ज्वाइन करो सो गाइस ये जो इंडिया में नया कॉन्सेप्ट है पे एज यू गो को लेके तो भैया वो एक्सप्लेन करेंगे कि कितने टाइम से भैया ये चीज़ रन कर रहे हैं और वहाँ पे कौन सी बाइक्स अवेलेबल हैं तो भैया एक बार हमारे व्यूअर्स को जरा एक बार व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि यार हम इतनी बड़ी बाइक लेने जा रहे हैं वो ऐसा कुछ सही होगा या नहीं होगा इसके लिए मैं आपको क्लियर करता हूँ 2013 में हमने ये काम शुरू किया था काम मैं नहीं बोलूँगा मैंने मेरा पैशन था जो पैशन को मैंने फॉरवर्ड करने के लिए ये शुरू किया 2013 में अप टू 2014 क्या होने लगा कि सब हाई प्रोफाइल लोग आते थे हमारे पास बिकॉज उस टाइम वो एक्सपेंसिव था काफ़ी एक्सपेंसिव था हम 15,000 में सिंगल डे देते थे सिर्फ 85 किलोमीटर देते थे तो अफोर्डेबिलिटी नहीं थी बहुत रेयर बंदे आते थे और प्रोफाइल जो होता बड़ा स्ट्रांग होता था तो मैंने देखना शुरू किया जब वो वापस आते थे ना देवर ओवरवेलमिंग यार भैया आपने ना मेरी लाइफ बना दी मैं अपनी बाइक ले नहीं सकता था मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे आई लिव माय लाइफ तो मुझे वो क्यूरियोसिटी क्रिएट होती थी क्योंकि अल्टीमेटली आई हैव टू कम इन टू अ मास तो मास कैसे हुआ फिर 2014 में आई हैव इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मेंबरशिप अब मेंबरशिप में क्या है कि अब अफोर्डेबिलिटी अब ईजी होती जा रही है जितनी जितनी बाइक चलती रहेंगी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ जितनी आप बाइक चलाते रहोगे उतना आपको बेनिफिट मिलता रहेगा वो कैसे मिलेगा व्हेन यू ज्वाइन दिस आई विल लेट यू नो कि फर्दर बेनिफिट्स कैसे आएंगे
जितनी बाइक्स हमारी ज्यादा चलेंगी उतना हमारे को बेनिफिट मिलेगा, दैट इज श्योर, दैट इज कमिटेड, दैट यू कैन टेक एज अ रिटर्न बढ़ता रहेगा. क्योंकि ऐसा ही है देखो, कंपनी अगर मैं आपको इसको डिटेल दूँ कैसी है, कंपनी ने एक बाइक बेच दी है 15 लाख की बाइक बेच दिया उसने आपको, आप उसको 2000 किलोमीटर चलाओ या 50,000 किलोमीटर चलाओ, कंपनी इज नॉट कंसर्न. वो आपकी आपकी वैल्यू घटती है और आपकी डिप्रिसिएशन आती है. इसमें क्या है, आपको जितनी बाइक्स हमारी चलती रहेगी इन द फैमिली, वो या फैमिली एज अ मेंबर, वो या फैमिली इन द फैमिली चलती रहेगी, वो बाइक हमारे पास ही रहने वाली है. और जब बाइक वो फ्री हो जाती है तब उसको हम एज ए मेंटेनेंस चार्जेस पे सिर्फ चलाते हैं और वो हमारे मेंबर्स ही चलाते हैं. तो मेंबर्स को जब वो मेंटेनेंस चार्जेस पे आ जाएगा वो बाइक आपको लगेगा हाँ हमारी अपनी बाइक है. तो हमें वहाँ पहुँचना है. तो कलेक्टिवली इंडिविजुअली कोई आदमी नहीं कर सकता, कलेक्टिवली बहुत कुछ कर सकता है. तो आई वॉन्ट कि आप लोग आओ, कलेक्टिवली वी कैन रीच देयर वेयर वी हैव ड्रीम्ड एक्चुअली. तो वो ड्रीम को अगर आपको फुलफिल करना है अगर आपको, तो आपको यहाँ आके ओपन माइंड से आपको ये ज्वाइन करना है. सो गाइस, होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि अगर आप एक सुपर बाइक राइड करना चाहते हो इन अ वेरी लेस अमाउंट तो आप कैसे कर सकते हो वो. बाकी गाइस, एक बार मैं आपको सुपर बाइक्स के बारे में बता देता हूँ कौन सी है, और अगर आपको उसमें से कोई सी भी बाइक के बारे में टोटल रिव्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. CBR का ऑलरेडी प्रेजेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप ज़रा जाके चेक करें. ZX14R, हायाबूसा, जिक्सर, वहाँ पे हार्ली डेविडसन, ड्यूक भी है गाइस, अगर आपको ड्यूक चाहिए आप ड्यूक भी ले सकते हो. हिमालयन भी है, अभी राइट नाउ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. बाकी इसमें से अगर आपको किसी भी बाइक के ऊपर सिंगल रिव्यू चाहिए, मैं आपको समझाऊं कि इस बाइक में क्या मतलब क्या क्या सीसीज लगी हुई है, क्या क्या डिफरेंट है, कितनी चली है, एक बार आपको पूरा ओवरव्यू दिखाऊं, लुक दिखाऊं, कैसी कंडीशन है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेके आऊँगा. तब तक के लिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड, दिस इज मिस्टरीबॉय व्लॉग्स साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. टिल देन बाय. तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना. बाय बाय.